गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे स्पेशल विषय गणित गणित सीखना सीखना शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विधि के अंतर्गत आगमन पर निर्मल विधि के तुलनात्मक अध्ययन से शुरुआत करेंगे। कानपुर में निर्मल विधि के बारे में क्या और परिभाषा महत्व गुण दोष तथा सीमाओं के बारे में नहीं जाता। आगमन आगमन व निर्मल विधि का तुलनात्मक अध्ययन से अपने शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत आगमन विधि व निर्मल विधि दो अलग अलग विधि है, जिसमें आगमन विधि के अंतर्गत हम विशिष्ट सामान्य ओर चलते हैं, वही निर्मल विधि में सामान्य से विशिष्ट ओर यानी विपरीत या पूरक। वहीं आगमन विधि के अंतर्गत स्थूल तत्वों से हम सूक्ष्म की ओर चलते हैं, वहीं निर्मल विधि में हम सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की ओर चलते हैं। वहीं आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तथा निर्मल विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। तो बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिसके अंतर्गत तर्क विचार चिंतन व निर्णय शक्ति शामिल है। निर्मल विधि के अंतर्गत मानसिक शक्तियों का विकास न होकर रटने की आदत पड़ जाती है, जिससे हमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। तदनुसार यह लंबी तथा अधिक परिश्रमशील विधि है। वही निर्मल विधि छोटी तथा कम मेहनत वाली विधि है। तो आगमन विधि का छठा पॉइंट है आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि व अवबोध केंद्रित है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि व अवबोध केंद्रित है। नंबर सिक्स, आगमन विधि जिसके अंतर्गत आगमन विधि मनोवैज्ञानिक व अवबोध केंद्रित विधि, निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि जो स्मृति केंद्रित होती है। वही नंबर सेवन, आगमन विधि छात्रों को स्वयं नियम या सिद्धांत की ओर आगमन विधि छात्रों को स्वयं नियम या सिद्धांतों की खोज करने का अवसर मिलता है। आगमन विधि का सातवां पॉइंट है छात्रों को स्वयं नियम या सिद्धांत की खोज करने का अवसर मिलता है। सातवां पॉइंट निगमन विधि शिक्षक छात्रों को पहले से ही एक सूत्र अथवा नियम बता देता है, जिसे परिचित हो जाते हैं। निगमन विधि के अंतर्गत टीचर छात्रों को पहले से एक सूत्र दे देता है या नियम बता देता है, जिसे पालक परिचित हो जाते हैं। नंबर आठ, आगमन विधि नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। आगमन विधि हमें नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर करती है, अर्थात नियमों और सूत्रों का निर्माण करना बताती है। नौवां पॉइंट निगमन विधि, इसमें बालक प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकता है, यानी वो अभ्यास द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। नौवां पॉइंट आगमन विधि, यह नितांत मौलिक व रचनात्मक है। आगमन विधि नितांत मौलिक व रचनात्मक विधि है। वही नवा पॉइंट निगमन विधि, यह समस्या समाधान पर बल देती है। निगमन विधि समस्या समाधान पर बल देती है। दसवां पॉइंट आगमन विधि, यह विधि छात्र केंद्रित है, शिक्षक केवल सहायता करता है। आगमन विधि छात्र के केंद्रित है तथा इसमें शिक्षक केवल मदद करता है। वहीं दसवां पॉइंट निगमन विधि, यह शिक्षक केंद्रित है, छात्र की भूमिका गौण हो जाती है। निगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है तथा छात्र की भूमिका गौण हो जाती है। आगमन विधि का ग्यारह पॉइंट है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है तथा निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है।
बारह पॉइंट छात्र आगमन विधि छात्र में आत्मविश्वास आगमन विधि छात्र में आत्मविश्वास तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। वही निगमन विधि यह मौलिकता की अपेक्षा अनुकरण पर बल देती है। निगमन विधि मौलिकता की अपेक्षा अनुकरण विधि पर अनुकरण पर बल देती है। तेरहवा पॉइंट आगमन विधि रटने की प्रवृत्ति को जन्म नहीं देती है। इसमें स्मरण शक्ति पर आश्रित रहने के बजाय इस पर खोज की प्रवृत्ति पनपती है। आगमन विधि के अंतर्गत यह विधि रटने की प्रवृत्ति को जन्म नहीं देती है। इसमें स्मरण शक्ति पर आश्रित न रहकर बजाय स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति पनपती है। निगमन विधि के अंतर्गत यह रटने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। स्मरण शक्ति पर ही निर्भर रहना है। नियम हो जाने पर तत्काल याद कर पाना मुश्किल सा लगता है। निगमन विधि के अंतर्गत यह रटने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। नियम भूल जाना पर तत्काल लगना मुश्किल सा लगता है। चौथा पर आगमन विधि, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही पाठ पर सक्रिय भाग लेते हैं। आगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक व छात्र दोनों ही पाठ पर सक्रिय भाग लेते हैं। वहीं चौथा पॉइंट निगमन विधि में अध्यापक ही अधिक क्रियाशील होता है तथा विद्यार्थी मुख श्रोता ही होता है। निगमन विधि में अध्यापक की भूमिका क्रियाशील होती है तथा विद्यार्थी मुख श्रोता की तरफ होता है। नंबर 15 आगमन विधि अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है। आगमन विधि अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है। वहीं निगमन विधि अनुकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ये पूर्ण रूप से आगमन और निगमन विधि पर दोनों को गति के बारे में हमने अध्ययन किया। दोनों ही विधियों का तुलना अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि दोनों में ही अपने अपने दोष हैं। फिर भी आगमन व निगमन विधि की तुलना में कुछ कम दोष हैं और यह विधि गणित शिक्षक के निर्देशों के अध्ययन में सहायक सिद्ध हो सकती है। आज हमने पूर्ण रूप से आगमन और निगमन विधि के तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। अब हम कल खेल विधि से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज इतना ही। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।